बच्चों प्रश्न संग्रह 40 में हमने ब्याज निकालने का सूत्र ज्ञात किया था। ब्याज निकालने का सूत्र हमारा था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस सूत्र की सहायता से हमने ब्याज किया ज्ञात किया था। अब हम प्रश्न संग्रह 41 में इन चार ब्याज मूलधन दर और समय इन चार राशियों में से यदि कोई एक राशि न दी हो तो किस प्रकार से उस राशि को हम ज्ञात करते हैं, उस सूत्र की वह सूत्र हम सीखेंगे। जैसे हमें ब्याज ज्ञात करना था तो हमारा ये फार्मूला था, इसको हम शॉर्ट में लिखें, संकेत में लिखेंगे तो ब्याज बराबर क्या लिखा था हमने, म गुणे द गुणे स या क भी लिखा था। क का मतलब होता है काल और स का मतलब होता है समय। अभी यहां पे देखिए, यदि हमें इन चार राशियों में से ब्याज मूलधन दर समय इन चार राशियों में से कोई एक राशि न दी हो, जैसे समझ लो कि हमें मूलधन नहीं दिया गया है, और जब मूलधन न दिया गया हो तो हम इसी फार्मूले को किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो जरा। मूलधन न दिया गया हो तो 100 और ब्याज का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे ये फार्मूला क्या बन जाता है, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, एक हमारा ये फार्मूला बन गया। इन तीनों में से कोई एक राशि न दी हो तो हम क्या करेंगे, ब्याज गुणे 100 बटे द गुणे स कर देंगे। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा, अगर हम इन तीनों में से समझ लीजिए दर हमें ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे, हमें दर ज्ञात करना था, दर ज्ञात करना था तो क्या बचा, मूलधन गुणे समय, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे समय बटे में आ जाएगा। अब यदि तीसरा फार्मूला हम देखें, अगर हमें समय ज्ञात करना हो और ये तीनों राशियां हमें दी गई हो तो हम इसका फार्मूला किस तरह से बनाएंगे, समय बराबर सेम ऐसे लिखेंगे, ब्याज गुणे 100 बटे, यहां समय ज्ञात करना था तो यहां क्या बचा, मूलधन और दर, तो बटे में क्या आ जाएगा, मूलधन और दर। देखिए अभी ये तीन फार्मूले हमें प्राप्त हुए। अब प्रश्न संग्रह 41 में हम इसी तीन फार्मूले की सहायता से चार राशियों में से तीन राशियां दी रहेंगी और एक राशि ज्ञात करना रहेगा, तो इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात करना सीखेंगे। अब प्रश्न संग्रह 41 का जो पहला प्रश्न है, किसी दर से 1700 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज 340 रुपये है तो ब्याज की दर कितनी होगी। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 12%, दूसरा 15%, तीसरा 4% और चौथा 10%। लेकिन हम इस प्रश्न को पहले हल करेंगे अपने फार्मूले से और इसके बाद हम उत्तर ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, किसी दर से, यानी हमें दर नहीं मालूम है। जब हमको दर नहीं मालूम रहता है तो दर वाला, इसके पहले जो मैंने तुम्हें फार्मूले बताए हैं, दर बराबर क्या होता है, आप फार्मूले में देख लीजिए, दर बराबर मैंने यहां लिखा हुआ है फार्मूले में, ब्याज गुणे 100 बटे क्या बचा, मूलधन गुणे समय। अब इस फार्मूले में बाकी चीजें हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज कितना है, ब्याज 340 रुपये है, यहां 340 रखिए, गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 1700 गुणे समय कितना है 2 वर्ष। अब इसको हल कर लेंगे हम, इस तरह से काट देंगे 0 0, 17 के पहाड़े में 34 आता है तो 17 × 34 यहां 20 आ जाएगा, फिर 2 के पहाड़े से ये काटेंगे 2 × 10 = 20 तो उत्तर कितना आ गया 10%। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही माना जाएगा, उत्तर हमारा 10% आया।
प्रश्न संग्रह 41 के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी दर से 3000 रुपयों का कुछ वर्षों का ब्याज 600 रुपये हो तो 1500 रुपये का उसी दर से उसी अवधि का ब्याज कितना होगा। अब इस प्रश्न में ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन देखने से पहले हम प्रश्न हल करेंगे। किसी दर से, यहाँ दर हमें नहीं दिया है और दोनों मूलधन में, यहाँ 3000 है, यहाँ 1500 है, दोनों प्रश्नों में 3000 में जो दर है वही 1500 में भी है, जो समय 3000 में है वही 1500 में भी है, यानी दर और समय बराबर दिया हुआ है। अगर 3000 रुपये का कुछ वर्षों का ब्याज 600 रुपये है, यहाँ पे हम देखते हैं 3000 का ब्याज बराबर 600 रुपये है और दर और समय बराबर है, यहाँ पे 1500 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा तब? अब यहाँ दर और समय बराबर है तो 3000 का 1500 ये आधा हो गया, तो यहाँ पे 600 रुपये जो होगा वो 300 रुपये हो जाएगा, यानी 1500 रुपये का ब्याज कितना आएगा? 300, और इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है 300 रुपये वह सही होगा। अब तीसरे प्रश्न में हम देखते हैं, 9% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से, दर हमें 9% दिया हुआ है, जावेद ने 12000 रुपये कुछ वर्षों के लिए बैंक में जमा किए, कुछ वर्ष दिया है इसका अर्थ क्या है, समय हमें नहीं दिया हुआ है, वह प्रतिवर्ष ब्याज की रकम निकाल लेता था, अवधि पूर्ण होने पर उसे 17400 रुपये मिले, यानी ये मिश्रधन हो गया, तो उसे कितने वर्षों के लिए रकम जमा की थी। क्या क्या दिया हुआ है हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ मूलधन देख लेते हैं कितना है, मूलधन हमें दिया हुआ है 12000 रुपए, इसके बाद दर बराबर 9% दिया हुआ है, समय हमें नहीं दिया हुआ है, समय ज्ञात करना है, इसके बाद हमें चार राशियां ब्याज, ये चार राशियां हो गई, ब्याज हमें नहीं पता है लेकिन हमें मिश्रधन पता है, मिश्रधन कितना है 17400 रुपए, मिश्रधन पता है और मूलधन पता है, तो मिश्रधन में से हम ब्याज मूलधन घटा देंगे तो हमको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम ब्याज का पहले हम ब्याज ही ज्ञात कर लेते हैं, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन हमारा है 17400 रुपए, ऋण 12000, मूलधन है घटाएंगे हम तो 5400 रुपए, ये हमारा हो जाएगा ब्याज। अब यहाँ पे लिख दीजिए 5400 रुपए हमको ब्याज प्राप्त हो गया। अब हम आगे हल करते हैं सवाल को। अब देखिए यहाँ पे चार राशियों में से मूलधन, दर, समय और ब्याज, अभी हमको ब्याज प्राप्त हो गया है, अब हमें समय ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, हो गया, ब्याज हमारा कितना आया 5400 रुपए गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 12000 गुणे दर, दर कितना है 9। अब इसको हम हल कर देंगे, 0020 कैंसिल, यहाँ पे 10 कैंसिल, अब ये 9 से कटेगा, 9 6 54 होता है, 9 कम 9 9 6 54, 0 बचा, 12 1 कम 12, 12 5 60, हर में कुछ नहीं है, अंश में कितना है 5, तो हमारे ये उत्तर आया समय 5 वर्ष। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लता बेन ने गृह उद्योग करने हेतु कुछ रकम 10% प्रतिवर्ष की दर से, दर हमें 10% दिया हुआ है, 2.5 वर्षों के लिए यानी समय 2.5 वर्ष बैंक से कर्ज लिए, उन्हें कर्ज चुकाने के लिए 10250 रुपए ब्याज दिए, ब्याज दिया हुआ है तो उनके द्वारा दी गई कर्ज की रकम ज्ञात करो, यानी मूलधन ज्ञात करना है हमको, यानी मूलधन हमको नहीं मालूम है
मूलधन हमें नहीं मालूम है, मूलधन के बाद दर, दर बराबर हमें दिया हुआ है यहां पे 10%, समय, समय हमें दिया है 2.5 वर्ष यानी 2.5 हम लिख सकते हैं यहां पे, और ब्याज, ब्याज यहां पे दिया है 10,250। चार राशियों में से एक राशि नहीं दी हुई है मूलधन, तो हमारा जो फॉर्मूला है मूलधन ज्ञात करने का हम डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे बचा क्या, दर गुणे समय। ब्याज, ब्याज हमारा 10,250 है गुणे 100 बटे दर कितना है, दर 10% है यानी 10 गुणे समय 2.5 वर्ष यानी 2.5 यहां लिख दीजिए। अब जो संख्याएं कट रही हैं हम काट देंगे, यहां 0,0 कैंसिल हो गया, यहां दशमलव हमें हटाना है, ये दशमलव, इस दशमलव को हटाएंगे तो अंश में 10 का गुणा हो जाएगा। अब यहां पे ये हो गया 25, अब ये हम काट देंगे, 5 से कटेगा, 5×5=25, 5×2=10, हर में 5 है, 5 से यहां कट जाएगा, 5×2=10। अब यहाँ पे हर में कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 2 बचा है अंश में, 2×2 और ये संख्या सभी का हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का गुणा करने पर हमें 41,000 रुपये प्राप्त होंगे और ये 41,000 हमारा मूलधन आ जाएगा उत्तर। बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संग्रह 41 का पांचवा जो टेबल दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, इस टेबल का एक एक प्रश्न हमें हल करना है। इस टेबल के जो प्रश्न है, पहले प्रश्न को मैं हल कर रहा हूँ। पहले प्रश्न में जो हल करना है वो बहुत इजी है, जो हमारा ब्याज ज्ञात करना है, इसके बाद मिश्रधन, ये तीनों राशियां हमें दी हुई हैं, तो हमारा ब्याज ज्ञात करने का जो फार्मूला है, फार्मूला को हम लिख देंगे यहाँ पे, म गुणे द गुणे स बटे 100। सभी राशियों का मान हमको दिया हुआ है, म का मान दिया है 4200 गुणे दर हमें 7 दिया हुआ है और समय जो है 3 वर्ष दिया हुआ है, एकदम सिंपल है, तो दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ 42 बचा अंश में, 7 बचा और 3 बचा, इन तीनों राशियों, इन तीनों संख्याओं का हम गुणा कर देंगे और गुणा करने पर जो उत्तर आता है वो है 882 रुपये, यानी हमारा ब्याज कितना आ जाएगा 882 रुपये। हमसे मिश्रधन पूछा हुआ है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, तो हमारा मूलधन कितना है यहाँ पे 4,200 रुपये और ब्याज कितना हमने ज्ञात किया 882 रुपये, तो दोनों को मिला करके हमारा जो उत्तर आया कितना आया 5,082 रुपये। अब दूसरे प्रश्न में इसमें क्या दिया है, मूलधन हमें नहीं दिया हुआ है, दर 6%, समय 4 वर्ष और ब्याज 1200, मिश्रधन ज्ञात करना है। पहले हम इन चारों राशियों पर ही विचार करेंगे, इन चारों राशियों में देखिए एक राशि मूलधन नहीं दिया हुआ है, तो मूलधन का मैंने जो फार्मूला बताया है, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे, मूलधन के अलावा दर और समय दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दर गुणे समय। ब्याज हमें मालूम है 1200 रुपये गुणे 100 कर देंगे, बटे दर हमें मालूम है 6 और समय कितना है 4, ये इजी हो गया। अभी हम काट देंगे इसको, 6 से कटेगा ये, 6×12 20 बचा, ये भी कट जाएगा, 4×5=20, 50 आया। अब हर में कुछ नहीं बचा है, अंश में क्या बचा है 50 और 100, तो 50 और 100 का गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 5,000 रुपये, यानी हमारा जो मूलधन आ गया वो कितना आ गया 5,000 रुपये, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन जो इसके पहले फार्मूला हमने बताया हुआ है
मूलधन और ब्याज जोड़ दीजिए, तो मूलधन हमारा कितना था 5000 आया और ब्याज कितना आया 1200 रुपए, दोनों को मिलाकर कितना हो गया 6200 रुपए। अब तीसरे प्रश्न को देखिए, इसमें पहले चार राशियों में हमें समय नहीं दिया हुआ है, तो समय ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है ब्याज गुणे 100 बटे समय ज्ञात करना है, बचा क्या मूलधन और दर, तो मूलधन और दर हर में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख दीजिए ब्याज हमारा कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 800 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 8000 रुपए गुणे दर कितना है 5%, हो गया। अभी हम काट देंगे, एक दो दो जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, और यहाँ पे 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी समय कितना आ गया 2 वर्ष, ये हमारा उत्तर आ गया, 2 वर्ष हमारा समय आ जाएगा। अब इस प्रश्न में देखिए मूलधन हमको ज्ञात करना है और समय ज्ञात करना है, ब्याज दिया है, मिश्रधन दिया है, जब मिश्रधन और ब्याज दिया रहे तो हम मूलधन मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा, तो हम इसको ज्ञात कर लेंगे, तो ब्याज मूलधन बराबर मिश्रधन ऋण ब्याज, तो हमारा कितना हो जाएगा 18000 में से 6000 घटा देंगे हम, हमारा मूलधन आ गया 12000 रुपये, ये हमारा मूलधन हो गया 12000 रुपये। अब हमको समय ज्ञात करना है, इसके पहले जो फार्मूला हमने लिखा था सेम वही, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे म गुणे दर, देख लेंगे ब्याज हमारा कितना है 6000 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 12000 रुपए गुणे दर कितना है 5, कैंसिल करेंगे सब कैंसिल हो गया, यहाँ पे 6 एकम 6 6 दूना 12, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 5 दूना 10 20 आ गया, यहाँ पे 2 दहा में 20, तो उत्तर कितना आ गया हमारा समय 10 वर्ष। हमारा पांचवा और अंतिम सवाल है, इसमें मूलधन नहीं दिया हुआ है, बाकी सब राशियां दी हुई है, 3 राशियां, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए तो म बराबर क्या हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। अब ब्याज हमको कितना दिया है 2400 रुपए गुणे 100 बटे दर हमको दिया है 2 से 1/2, यानी 2.5 हम कर देंगे इसको, ये क्या हो जाएगा 2.5 गुणे समय 5 वर्ष। अब इसको हम हल कर लेंगे, यहाँ पे ये दशमलव हमको हटाना है, दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम यहाँ पे 10 का अंश में गुणा कर देंगे, अब ये हो गया 25, तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, इसको काट लेंगे 5 एकम 5 और 5 दूना 10। अब यहाँ पे देखिए अंश में कौन कौन सी संख्याएं बची, 2400, 4 और 2, इन तीनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे और उत्तर आ जाएगा 19200, ये हमारा मूलधन आ जाएगा यहाँ पे 19200 रुपए। ठीक है, अब मिश्रधन ज्ञात करना हुआ तो हमारा जो फॉर्मूला है मिश्रधन का, मिश्रधन बराबर मूलधन 19200 धन हमारा जो ब्याज है 2400 बराबर जोड़ देंगे हम, और जोड़ने पे आएगा 21600 रुपए। इस तरह से हमने ये प्रश्न संग्रह हल किया।